फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काबिले ज्ञान। आज के बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितनी भी बेसिक बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, मैं सारा कुछ बता दूंगा। क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम होता है पॉइंट को प्लॉट करने में, एक्सिस का प्रॉब्लम होता है, क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम होता है ना। तो इन सभी बेसिक बातें को हम लोग आज एक क्लास में क्लियर कर लेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग मेनली कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को डील करते हैं। क्लियर हो गया? बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताना है, ठीक है। और फिर आपको समझना है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, यानी ये वो सिस्टम होता है जो आपके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन से मिलकर बनता है, ठीक है ना। ये तीन चीज़ का होना जरूरी है, ठीक है ना। और ये आपका देखिए, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है इसे बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। और ये जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रहा है वाई ओ वाई डैश, इसे बोलेंगे हम लोग वाई एक्सिस। और ये जो पॉइंट ओ है इसे बोलेंगे हम लोग ओरिजिन। क्लियर हो गया, ठीक है ना। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिला करके बनता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करेंगे तो ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस होगा। आपका जो ग्राफ है ना उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्लियर हो गया ना। ओके, तो जो आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसे बोलेंगे हम लोग एक्स एक्सिस, और ये जो आपका वर्टिकल है इसे बोलेंगे हम लोग वाई एक्सिस। यानी एक्स ओ एक्स डैश बोलो या एक्स डैश ओ एक्स बोलो, ये एक्स एक्सिस है। वाई ओ वाई डैश बोलो या फिर वाई डैश ओ वाई बोलो, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो एरो दिया हुआ है, एरो दिया हुआ है। एक्चुअली ये कार्टेशियन प्लेन से मिलकर बना है। कार्टेशियन प्लेन बोलता है कि वह प्लेन जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइन से मिलकर बना हो, है ना। ये नंबर लाइन ही तो है, ठीक है ना। ओके, ये कोई जरूरी नहीं कि बीच में ही होगा, समझ रहे हो ना। मतलब ये आपको लेफ्ट साइड भी शिफ्ट हो सकता है, राइट साइड भी शिफ्ट हो सकता है। ये जो एक्स एक्सिस से अपवार्ड भी जा सकता है और डाउनवार्ड भी जा सकता है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं कि पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट। देखिए ये ए और बी जो है इसे ऑर्डर पेयर बोलेंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट, पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए, 2 -3 -4 -5 -3 -5 -1 -4, ये सारे के सारे आपके पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलेंगे। क्लियर हो गया। और यहाँ पर जो ए और बी है ये फर्स्ट कॉम्पोनेंट जिसे हम लोग एप्सिसा या फिर एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और ये जो बी है ये हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है, सेकेंड कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग ऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, ये दिख रहा है आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो कोऑर्डिनेट प्लेन को फोर पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ईच पार्ट क्वाड्रेंट होता है। मैंने यहाँ फोर इक्वल पार्ट्स नहीं बोला है, इक्वल हो भी सकता नहीं भी हो सकता, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट प्लेन को फोर पार्ट्स में डिवाइड करता है, और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखिए ये हमारा जो है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये हमारा जो है सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। ओके, ये ध्यान रखिएगा। इधर वाला आपका होता है पॉजिटिव, ऊपर वाला ही पॉजिटिव, यानी ये दोनों क्या होगा, साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। इधर वाला आपका होता है, देखिए इधर क्या है, एक्स एक्सिस पे। और एक चीज़ और, पहले आपको हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, देन आपको वाई कोऑर्डिनेट लिखना है। ये पॉइंट ध्यान रखना है, फिर से सुन लीजिए। मैंने बोला कि जब भी कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखिएगा सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट देन वाई कोऑर्डिनेट। तो देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है। जो एक्स कोऑर्डिनेट है इधर वाला क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस का साइन आएगा, और इधर का क्या है, पॉजिटिव है, तो प्लस का साइन आएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है, इधर वाला नेगेटिव, ठीक ना। ओरिजिन के राइट साइड जो है एक्स एक्सिस में वो आपका क्या है, पॉजिटिव, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस में क्या है, नेगेटिव। ओरिजिन के अप यानी अपवार्ड या बोल सकते टॉप पर, ठीक ना, या ओरिजिन के अबव वाई एक्सिस में क्या होगा, पॉजिटिव, और ओरिजिन के बिलो या बॉटम या डाउन, ठीक ना, ये क्या होगा, वाई एक्सिस पे नेगेटिव, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए पहले एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि पॉजिटिव है तो पहले पॉजिटिव लिखेंगे, फिर वाई कोऑर्डिनेट जो कि नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पर मैंने क्वाड्रेंट के बारे में बता दिया, और लगे हाथ मैंने आपको जो है वो साइन कन्वेंशन भी आपको बता दिया है, ठीक है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर बोला है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो जो कॉरस्पॉन्डिंग
कोऑर्डिनेट होते हैं ना वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी होगा, ठीक है ना। ओके तो देखिए यहाँ पर हम लोग दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक पॉइंट्स प्लॉट करना सीखेंगे क्योंकि पॉइंट्स प्लॉट करना आना चाहिए, और दूसरा आपका यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है जो कि आपके ऑर्डर्ड पेयर पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए जितना आपको रिक्वायरमेंट उतना आप लिख सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगा, सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर खोजूंगा, नेगेटिव बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 5 दिख रहा है और सबसे छोटा नंबर आपको 1 दिख रहा है, ठीक है ना। ओके तो आप डायरेक्टली नहीं शुरू कर दूंगा, आपको हमेशा गैप इक्वल इक्वल रखना होता है, ठीक है। ओके तो देखिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी मैं लूँगा -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और नीचे में देखिए -1, -2, -3, -4, -5, क्लियर हो गया। पॉइंट को प्लॉट करते हैं, 2, -3, एक्स का 2, वाई का -3, देखिए एक्स का 2 ये रहा, वाई का -3 आपका कहाँ रहा, यहाँ पे रहा। एक मिनट, x का 2 और y का -3 ना, तो x का 2 y का -3 नीचे है ना, यहाँ पर, ठीक है ये पॉइंट है ना। इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 2, -3, ठीक है। 4, 5, x का 4, y का 5, x का 4, y का 5, देखिए ध्यान से ये आपको यहाँ पर कहीं आ रहा है, ठीक है ना। ओके यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए क्वाड्रेंट को मिटाऊंगा नहीं, यहाँ पर कहीं आ रहा है पॉइंट, ये पॉइंट आपका कहलाएगा x4 y5, हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले बाद में y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। फिर क्या -3, -5, देखिए x का -3 ये रहा और y का -5 नीचे रहा, तो आप क्या कीजिएगा इस तरह से आप नीचे जाइएगा, ठीक है, यहाँ पे जाके ये देखिए, यानी ये पॉइंट ये क्या है -3, -5 और -1, 4, x का -1 और y का 4, तो देखिए ये पॉइंट आपका कुछ इस तरह से ऊपर जाएगा, ठीक है ये पॉइंट, ये क्या है x का -1 और y का क्या 4, क्लियर हो गया। तो पॉइंट्स को प्लॉट करना आना चाहिए। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं जो कि आपके कोऑर्डिनेट ये आपके ऑर्डर्ड पेयर पर बेस्ड है। देखिए यहाँ पर ये एक्स माइनस 3 और 6 दिया है, यहाँ 4x प्लस वाई दिया है, यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, यहाँ पर x माइनस 3 इक्वल टू कर देंगे क्या 4, तो यहाँ से जब आप x का वैल्यू निकालोगे तो 3 माइनस 4 कितना होगा 7, x का वैल्यू तो आ गया। और सेकंड देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स का वैल्यू 7 डालिए, y निकालना है, सो देयर फोर वाई इक्वल टू 6 - 7 - 1, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक बातें सीखा, जिसमें मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग मेनली कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को डील करते हैं, ठीक है ना। ओके और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा डिटेल में तब बताऊंगा, अभी मैं बेसिक बातें बता रहा हूं ताकि बेसिक में प्रॉब्लम आपको नहीं आए। फिर आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है ना, या आप बोले कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर कोऑर्डिनेट आपका जो सिस्टम है वो क्या होता है, ये वो सिस्टम है जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन, ये तीन चीज़ें होना जरूरी है। एक्स एक्सिस ये देखिए जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है ना एक्स ओ एक्स डैश, इसे बोलेंगे एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है वाई ओ वाई डैश, ये आपका क्या है y एक्सिस है, ठीक है ना। एक्चुअली ये क्या है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइंस होते हैं, तो नंबर लाइंस है तभी तो यहाँ पर मैंने नंबर्स लिखा है, ठीक है ना। अच्छा लगे यहाँ देख लीजिए, जो आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जो नंबर लिखते हैं हमेशा हम नीचे लिखेंगे, आप ऊपर भी लिख सकते हो लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड जैसा लगता है, ठीक है ना, तो आप नीचे ही लिखिए और इधर आप ज़्यादातर लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए, ठीक है ना, एक पैटर्न को फॉलो कीजिए ज़्यादा से, कुछ इधर लिख दिए कुछ इधर लिख दिए ऐसा नहीं करना है, क्लियर हो गया, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को एक साथ बोला जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, और पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है ए और बी, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जिसमें ए आपका एब्सिसा है, ठीक है,
और ए को ही एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, और बी क्या है आपका ऑर्डिनेट जिसको वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो कोऑर्डिनेट प्लेन को फोर पार्ट्स में डिवाइड करता है और ईच पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको मैंने बता दिया कि ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव, ओरिजिन के अबव पॉजिटिव, ओरिजिन के बिलो नेगेटिव। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ओके, तो पॉइंट्स प्लॉट करना मैंने सिखाया कि पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं। जो भी पॉइंट है, जैसे मान लीजिए आपको जब भी कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखना है तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट देना वाई कोऑर्डिनेट, तो जैसे 2-3 था तो एक्स का मैंने 2 ले लिया, वाई का -3 ले लिया। ठीक है ना, फिर आपका 4-5 था तो एक्स का 4 वाई का 5, फिर -3-5 एक्स का -3 और वाई का -5। ठीक है ना, और -1-4 एक्स का -1 वाई का 4, पॉइंट को प्लॉट कर दिया, पॉइंट प्लॉट करना आना चाहिए। ठीक है ना, ओके, चलिए उसके बाद हमने ऑर्डर्ड पेयर प्रवेश क्वेश्चन देखा कि जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे ए बी और सी डी, ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, एक दूसरे के इक्वल है, तो ए बराबर सी और डी बी बराबर डी होगा। जैसे क्वेश्चन हमने देखा यहाँ पर कि एक्स और वाई निकालना था, तो हमने क्या किया यहाँ पर एक्स माइनस डी को 4 से इक्वेट कर दिया, एक्स का वैल्यू 7 आ गया। फिर हमने क्या किया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 कर दिया, तो एक्स का वैल्यू पुट किया 7, तो वाई बराबर आ गया -1। सो दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक बातें सीखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद मेंसुरेशन। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।